सवाल है, बोलिए हमसे कीजिए। हाँ हाँ ना मेन मुद्दा नहीं नहीं लोग बोल रहे थे, लोग बोल रहे थे तो आप गुस्सा क्यों, आप भागे क्यों? देखिए आपसे कोई क्यों नहीं भागा, नहीं तो आपसे मारपीट कोई नहीं भगाया, आपसे कोई भगाया है? आप फिर आप लोग देखिए मीडिया को धक्का दे रही है, वाला चल रहा है, प्ले कर दे, छोड़ दे, प्ले है नहीं वाला तो आपसे। आप देखिए आरती जी आ रही है और आप लोग यहाँ पर, अरे बैठिए बैठिए बैठिए, इधर से बैठिए, अरे चढ़ जाइएगा, हाँ बैठिए, दूरी बना लीजिए, सब दूरी बना लीजिए, अरे पीछे हो जाइए ना भैया, बैठिए बैठिए, सब झुक गया, शांत रहिए, शांत रहिए, सब शांत रहिए, शांत रहिए, अरे भैया आप साइड हो जाइए ना, मोबाइल साइड होइए ना, आगे आगे बस आरती जी, सबसे पहले आप दोनों को शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका भविष्य उज्जवल हो, मंगल हो, सुखी रहें। आप सबसे पहले आपसे ये सवाल है, थोड़ा कड़वा सवाल होगा, पहला सवाल मेरा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही थी कि मैं अपने प्रेमी, उस प्रेमी के लिए जो भाई चुप रहिए ना, उस प्रेमी के लिए यानी छोटू, छोटू जी जो है जो आपके लिए इस दुनिया से चले गए, मैं उसके लिए सदैव जो है विधवा बनकर जिंदगी गुजारूंगी, लेकिन एक साल नहीं बीता आपने शादी रचाई, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए हम सबसे यही विनती करते हैं, आप लोग भी सोच सकते हैं, हमारा भी मोबाइल लगा हुआ, थोड़ा जोर से बोलिए, बोलिए बोलिए, मोबाइल दिखाओ, अरे हिला डोला कहे रहे जी, बोलिए बोलिए कहिए, क्या कहेंगे इस पर? इस पर हम क्या कर सकते हैं, हम एक लड़की हैं, हम क्या अकेले जिंदगी काट सकते हैं? उस वक्त हमारी हालात सही नहीं थी, बकने का कुछ बक रहे थे कुछ, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि हम ऐसे ही रहे? नहीं नहीं, हम लोग या कोई भी कति ऐसा नहीं चाहते हैं, आप ही के बयान को आपको मैंने याद दिलाया, आपकी बयान को हम तो बोल रहे हैं, अपनी बयान को याद दिलाए तो अच्छी बात है, याद दिलाए। आपका कहना है कि मानसिक के जो संतुलन मेरा बिगड़ा हुआ था, इसी कारण मैंने बोल दिया, कभी कुछ बोला था, कभी कुछ बोला था, तब क्या करे, सब दिन ऐसे रहे, जिंदगी क्या, लड़की है जिंदगी काट सकते, सामने देख के बोलिए। चलिए खैर, अब आपकी शादी हो चुकी है मनु जी के साथ, तो कैसा जिंदगी कैसा बीतेगा आपका, कैसा बीतेगा तो भविष्य आने वाले दिन में, खुश है ना आप शादी के बाद, आप खुश है ना? इसको बंद कीजिए जी, खुश तो रहना पड़ेगा ना, रहेंगे क्यों नहीं? रोकिए रोकिए, वो सब सवाल मत पूछिए, वो सब जवाब नहीं दे सकते। आरती जी, आपसे आग्रह है, लगातार आपसे कहा जाता है बॉल्ड आवाज में बोलिए, क्योंकि हल्ला गुल्ला हो रहा, आवाज नहीं आएगा, और जब भी आप बोलेगा बॉल्ड आवाज में बोलेगा, बीच में कोई आदमी नहीं बोलिएगा, अरे यार बोले, शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद, आपने वादा किया था, कई वीडियो में आपने ये कही थी कि शादी हम नहीं करेंगे, विधवा रह के ही अपने जीवन को बिताएंगे, लेकिन क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि आरती ने शादी कर ली? देखिए हम तो सब दिन बोलते आ रहे हैं, मतलब वो तो बोले थे उस वक्त ऐसी हालात थी कि आप लोग देख ही रहे थे कैसी हालात थी उस वक्त, तो अभी फिर भी आप लोगों को सोचना आप कितना फर्क है, तो उसमें तभी तो अब क्या बता सकते हैं हम इसमें, क्या फिर कब आगे भी हालात बदलने वाले, कैसे आगे हालात बदल जाएंगे? ये भी कहा जा रहा है कि समाज के लोग बोल रहे हैं कि कुंवारी लड़की को घर में नहीं रहना चाहिए, इसलिए आपने शादी किया था, क्या ये बात सही है? ये भी तो बात सही है, आपने बोला कि हालात के हिसाब से बोलना चाहिए, सुने आपने बोला कि हालात के हिसाब से हमने कदम उठाया है, आपकी स्टेटमेंट कोर्ट के अंदर हुई, मजिस्ट्रेट के सामने हुई, 164 का बयान, क्या उस बयान को भी जो अदालत है ये मान ले कि आपके हालात मानसिक हालत सही नहीं थी तब आपने दिया था स्टेटमेंट? वो तो देखिए उस वक्त एनी टाइम ऐसा थोड़े होता है कि एनी टाइम स्थिति ठीक ही रहता वैसे ही रहता है, मिनट में पल भी क्या होता है कौन जानता है? ऐसा क्या हो गया आपके साथ में जो 5 महीने के अंदर आपने शादी कर ली, जबकि आपने बोला था कि हम जिंदगी भर तक छोटू के विधवा बन के रहेंगे? तो जिंदगी भर वो तो बोले थे, अरे समाज के दबाव में शादी किए हैं हम, समाज कहा ये कुमारी लड़की को घर में रख सकती है? शादी से आप बोलता है ना, डिसीजन लेती है, बोल्ड डिसीजन लेती है, और अभी आज ही के दिन ने बोला था कि हमने जो लिया है फैसला अपने खुद के बदौलत लिया है फैसला, तो आपके साथ ऐसा क्या हो गया
जो आपको बहुत जल्द फैसला लेना पड़ गया। बहुत जल्द समाज बोले ऐसे कि इस तरह का नहीं रहना चाहिए, करवाइए, तो इस तरह का हुआ। शादी से समाज बोले तो समाज एक साल कैसे रुक सकते हैं? जब समाज बोल रहा है तो उसमें हम कैसे रुक सकते हैं? रहना है समाज में, रहना एक समाज से जुड़े थोड़े जाना, आप लोग भी समाज से माना जाना, मोटा 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 मोटी शादी से समाज के डर से, समाज के दबाव में आप शादी नहीं न किए हैं। अब देखिए सबका विचार होता है, सहमत होता है, तभी तो कुछ होता है। आप भी सहमत हैं ना समाज से? समाज में सहमत, समाज में रहेंगे तो समाज से बात नहीं मानेंगे। वही चीज है, लोग सामने उनके बात की जांच छोटू जी। एक सेकंड, आपकी शादी छोटू से तय होने वाली थी, हालांकि अब छोटू इस दुनिया में नहीं है, क्या शादी के वक्त छोटू की याद भी आई थी आपकी? अब ये सब बात देखिए भैया पूछने के लायक है, ये सब जो बात बीत गया, जब आप लोग को हम बार बार इतना रिक्वेस्ट कर चुके हैं बीते हुए बात को मत लाइए, मत लाइए, तो बीते हुए बात क्यों ला रहे हैं? तो क्या ये मान लिया जाए? हम रोक नहीं रहे भैया, हम रोक नहीं रहे, कभी रोके हैं। पहले रो रो कर बोल रही थी, चीख चीख कर बोल रही थी कि मेरे प्रेमी को मार दिया गया, टूट जाएगा, क्या हो गई है, और फिर 5 महीने के अंदर उसकी गम को भुला कर शादी कर लिया आपने। गम को हम नहीं भुलाए, अभी भी मेरे अंदर गम है, सबके अंदर गम है, समाज से पूछ लीजिए, हम आप ले जाएंगे, तो हम एक किए हैं, ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? अभी भी हम चीख करके बोल रहे हैं। क्या ये किसका मोबाइल है? समाज की इच्छा से शादी हुआ है और आरती को पूछा गया तो आरती को समाज लेके ही चलेगा, इसलिए शादी हुआ। अच्छा, जिस तरह से जो सजा की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है अभी जो है 5 महीने के अंदर शादी हो गई है, उसके बाद सजा क्या लग रहा है कि मिल पाएगा? अरे सजा क्या में वैसा कौन सवाल करता है, जिसको जिसको बार बार चले है वही सवाल करता है, ऐसा उल्टा बात नहीं करना चाहिए। शादी होगा, शादी सबका होता है, शादी क्यों नहीं करेगा? शादी होना चाहिए, तुम्हारी किसी का भी शादी होना चाहिए, सही बात है। एक मिनट, आप लोग को हो चुका है तो आराम से बैठिए। उमेश चाचा देखिए, आपके साथ पत्रकार खड़े हैं, लेकिन आपके साथ खड़े हैं, आप कहा है ऐसा बोले? मीडिया को सवाल पूछने से मना है क्या? आपके लिए खड़े हैं, अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो इंसान आपके साथ नाइंसाफी हुई है तो आपके लिए खड़े हैं, लेकिन जिस प्रकार से शादी को आपके बच्चे की हत्या हुए उसके से 5 महीने नहीं गुजरे हैं और आपके घर में खुशियाँ हो रही है, खुशियाँ मनाई जा रही है, कैसे शादी हो गई है? एक मिनट सुनिए, समाज के कहना हुआ कुमारी लड़की को घर में अच्छा नहीं होता है, इसलिए हम शादी करवा दिए, सब समाज के मन से और आरती के भी मन से, मन्नू के भी मन से शादी हुआ है। लेकिन बिल्कुल आरती स्टेटमेंट ऐसा क्यों दे रही है कि हमने जो किया है? आप ऐसा सुनिए ना, आप ऐसा सवाल इसलिए सुनिए ना, आप सवाल इसलिए कर रहे हैं कि आपको नहीं बुलाए थे इसलिए शादी ऐसी कोई बात नहीं, किसी मीडिया को नहीं बुलाए इसलिए सवाल कर रहे हैं, आप ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए, हम मीडिया को नहीं बुलाए हैं इसलिए जो सच्चाई है वो तो दिखाई नहीं। देखिए प्रोफेसर आदमी आराम से, यहाँ पे आप एक सत्य नहीं बुलाया इसलिए ऐसा करवा सवाल कर रहा है, बुलाए क्यों नहीं भैया? शादी में क्यों बुलाएंगे किसी भी दिया को? मैं अपनी मर्जी से, समाज के मर्जी से शादी किया हूँ, मीडिया को इमरान जी को नहीं बुलाई इसलिए सब करवा सवाल हमसे कर रहा है। ऐसा नहीं है सर, मीडिया कोई पूछ के सवाल नहीं करेगा। सर मीडिया को क्यों हम पूछेंगे? मैं अपने मन से शादी किया हूँ ना, हम बात सच्चाई है, आपको आपको बैठ लेना है, आप बैठ लीजिए, लेकिन करवा उल्टा पुल्टा सवाल क्यों कर रहे हैं? क्या उल्टा पुल्टा सवाल क्या हुई है? उल्टा कहते हैं कि 5 महीने में शादी कर ली है, क्या हुआ, काहे गुस्सा हो रहा है? नहीं नहीं, ये लोग पूछ रहा है उल्टा पुल्टा कि 5 महीने में शादी, 5 महीने एक दिन में लोग शादी करता है, शादी क्यों नहीं करेगा? नहीं नहीं, आरती खुद कह रही थी कि शादी हम नहीं करेंगे, छोटे से याद रहेंगे। ठीक है, आरती बोल रहा था कि
इसका क्या सवाल है, बढ़िया हमसे कीजिए। हम है ना मेन मुद्दा। नहीं नहीं, लोग बोल रहे थे, लोग बोल रहे थे, आप गुस्सा क्यों, आप भागे क्यों? देखिए आपसे कोई आपसे मारपीट कोई नहीं भगाया, आपसे कोई भगाया है? फिर आप लोग देखिए मीडिया को धक्का दे रही है।